दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले भी हैं कि किस तरह से बिना हाथ पैर चलाया था पानी में पानी के ऊपर रहना है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये झूठा है सच्चा है, बहुत सारे कमेंट आते हैं उल्टा पुल्टा, लेकिन आपको दिखाने वाले हैं क्लियरली कि ध्यानपूर्वक देखिए, हम कुछ नहीं लगाएंगे कुछ नहीं करेंगे लेकिन पानी के ऊपर रहेंगे। आने के बाद बताएंगे आपको कि पानी के ऊपर हम कैसे रह रहे हैं, वो भी बताने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं पानी में और दिखाते हैं पहले कि पानी कितना है। यहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी बाद सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं। और इसके बाद लास्ट सीढ़ी है यहाँ से, इसके बाद लास्ट सीढ़ी है यहाँ से, अथाह पानी है, वो भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे आपको पहले दिखाने का प्रयास करेंगे कितना पानी है। यहाँ पे था नहीं लग पाता है, पानी अथाह है। और यहीं पे बिना हाथ पैर चलाए सोने वाले हैं आप अभी। हम ओके आपने देखा किस प्रकार से बिना हाथ पैर चलाए पानी के ऊपर थे और यहाँ था पानी है। फिर से एक बार होकर दिखाते हैं आपको। आप लोग बोलते हैं कि कुछ लगाया गया है, कुछ नहीं है भाई, देख सकते हैं आप यहीं पे सोने वाले हैं। आपने देखा हम किस प्रकार से पानी के ऊपर थे और फिर आपको ऊपर दिखाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम लगातार बहुत देर तक नहीं रह सकते हैं, हम मतलब 24 घंटा बिना हाथ पैर चलाए पानी के ऊपर रह सकते हैं। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग बोलते हैं कि शरीर के भीतर कुछ लगाया गया है चाहे कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम आसानी पूर्वक रह सकते हैं पानी के ऊपर बिना हाथ पैर चलाए। लेकिन सीधा रहता है तो हाथ पैर चलाना होता है तभी हम पानी के ऊपर रह पाते हैं। लेकिन लेट के आसानी पूर्वक बिना हाथ पैर चलाए अथाह पानी में पानी के ऊपर रह सकते हैं,
यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, आपको दिख रहा होगा। बहुत बार बहुत ज़्यादा हवा रहता है या बहुत ज़्यादा धार रहता है तो नाक में पानी घुस जाता है। इसमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि नाक में पानी ना घुसे। यहाँ पे पानी भी दिखा देते हैं कितना है। वहाँ पे पानी अथाह था, अब हम सीढ़ी पे आ पहुँचे हैं और धीरे धीरे आगे की ओर निकल सकते हैं। तो ये सीढ़ी था और उधर अथाह पानी है। हम अथाह पानी में भी आसानी पूर्वक पानी के ऊपर बिना हाथ पैर चलाए रह सकते हैं। और ये कैसे रहते हैं तो बता दें कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा। लगातार 6 महीना 2 घंटा डेली अभ्यास करने के बाद हम पानी के ऊपर रह पाए हैं। सबसे पहले जहाँ अधिक धार चलता हो वहाँ जाना होगा और जिनको अच्छे तरीके से तैरने आता है वही पानी के ऊपर रह पाएंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत तैरने आता है तो आप पानी के ऊपर रहने का अभ्यास कीजिए और रह पाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छे से तैरने बिल्कुल अच्छे से तैरने आता हो 4-5 घंटा 10 घंटा आप आराम से पानी में रहे तो आप थके नहीं, उसके बाद ही बिना हाथ पर चलाए पानी के ऊपर रह सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक में बहुत सारे वीडियो के लिंक दे दिए हैं जिसमें आसानी पूर्वक बताया गया कि किस प्रकार से तैरना है और तैर कर सीखना है। इसमें आपको अभ्यास करना होगा, सांस रोक के पानी के ऊपर सोने का आराम से अभ्यास करना होगा। 6 महीना तक लगातार 2-3 घंटा अभ्यास करते हैं तब हो पाएगा और क्लियरली लेकर वीडियो आने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, क्लियरली लेकर बताएंगे कि किस प्रकार से बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस प्रकार से पानी के ऊपर अभ्यास करना है। धन्यवाद, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।